डबल मर्डर से कर्मयोगी ग्राम में दहशत में लोग। शुक्रवार की सुबह मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत आने वाली कर्मयोगी कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद मकान से महिला और पुरुष का जला हुआ शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी तब हुई जब पड़ोसियों द्वारा एक बंद मकान से धुआं होता हुआ देखा गया। आनन फानन में पड़ोसियों द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही बंद मकान खोलकर देखा तो उसमें एक चारपाई पर दो जलते हुए शव पड़े दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घटना की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि राजस्थान के तारफरह गांव का रहने वाला पवन कुंतल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी भाई की पत्नी के साथ मकान में पिछले 3 महीनों से किराए पर रह रहा था। घटना के पहले से ही अचानक से पवन गायब हो गया था। कई दिनों से मकान बंद पड़ा था। अभी तक जले हुए शवों की कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू चौधरी। पूरा क्या मामला है ये जी? देवेंद्र भाई साहब का मकान है भरतपुर इगलास के पास में, भरतपुर गांव पड़ता है जलालीगढ़ में, ये उनका मकान था। ये पिछले 3 महीने से किराए पे दे रखा था। तो किराए पे दे रखा था तब उन्होंने 3 दिन पहले इसमें से बदबू शुरू हुई मकान में से। मामा जी पड़ोस में रहते हैं तो मामा जी ने फ़ोन किया उसको, जिस उसका नंबर था मामा जी के पास में, कि भाई बदबू आ रही है मकान में से। तो वो बोला कि आ रहा हूँ अभी। तो वो कल रात को उसमें आग लगाई गई है। सुबह 8 बजे जब आग देखी लोगों ने कि आग लग रही है मकान में, तो उन्होंने विजयपाल भाई साहब को फ़ोन किया। विजयपाल भाई साहब आए और आके मौके पे देखा तो 2 शव उसमें जल रहे थे मकान में। मकान का ताला खुला हुआ था। मकान का ताला खुला जी। अच्छा, बदबू आ रही थी। बदबू आने का मतलब ये है कि उनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ हो चुकी थी मकान। उसके बाद जब फ़ोन किया गया किराएदार को तो जलाने की घटना सामने आई जी। सुबह जलाने क्या लगता है हत्या की गई है जी? रात को ही जला दिया गया, सुबह तक धुआं उठ रहे थे मकान में। क्या माना या पहले हत्या की गई है फिर जलाने की कोशिश की गई? ये कुछ नहीं कह सकते जी। अभी कौन लोग तो कोई शिनाख्त हो पाई है? नहीं हो पाई। बॉडी बहुत ज़्यादा जल चुकी है। कौन के सामने की अगर बात करें जी? पुरुष है, महिलाएं कौन है? एक महिला है इसमें, एक पुरुष है। महिला की शिनाख्त उससे हो रही है, चूड़ी पहन रखी है, चूड़ियों से उसकी शिनाख्त हो रही है। महिला है तो जलने की कितनी जल चुकी है? महिला तो पूरी जल चुकी है, हड्डी बची है बस। हाँ। क्या नाम है आपका? कैलाश नाम है। ये घटना कहाँ की है? जो घटना भी हुई है इस मकान में आग लगी है कर्मयोगी ग्राम। क्या घटना हुई है? दो मर्डर मिले सर मकान में बंद। दो मकान में, इसमें बताया गया है कि ये मकान कोई किराएदार भी रह रहे थे इसमें? किराएदार रहता था पवन ताल फरेगा। मकान स्वामी कौन है ये? देवेंद्र फौजी। ये घटना कब की बताई जा रही है? 2-3 दिन से बदबू आ रही साहब। इस मकान में 2-3 दिन से बदबू आ रही थी। तो आज सुबह हम धुआं निकल तो देखो पड़ोसी ने पीछे थे। हाँ। जब वो आए कि हम आग लग रही है, आग लग जब रही है। हमें देखो तो हमें फिर पुलिस बुला ली है। तो इसमें से कितनी बॉडियां बरामद हुई हैं? दो। तो पहचान हो पाई अभी तक? पहचान तो उनकी कोई ना, वो तो सब जर गए पूरे। धन्यवाद। जनपद मथुरा के थाना हाईवे के कर्मयोगी ग्राम क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक घर से धुआं निकल रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की तो घर के एक कमरे में 2 बॉडीज जली हुई हालत में मिली थी, बर्न इंजरीज थी। तत्काल मौका मुआयना करते हुए बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम व सभी उच्च अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये घर एक देवेंद्र फौजी नाम के व्यक्ति का है जो कि इस समय पर फिरोजपुर में आर्मी में कार्यरत हैं। इनके द्वारा ये घर 1 साल पूर्व बनाया गया था और 3 महीने पूर्व एक पवन कुंतल नाम के व्यक्ति को किराए पर दिया गया था, जिसके कि कुछ रिश्तेदार इस घर में रह रहे थे। घटना की जानकारी और प्राप्त करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। बॉडीज़ के DNA सैंपलिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। घटनास्थल से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे जो मृत व्यक्तियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के सभी पहलुओं की जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा।